और डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी इज सिंपली, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड और अ पर्टिकुलर एलिमेंट व्हाटसोएवर, तो आपको बस क्या करना है, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड बाय टू, आपको बस ये करना है. ये वेपर डेंसिटी होती है. वेपर डेंसिटी इज मोलर मास. मोलर मास को भी थोड़ा ध्यान से सुनते हैं. मोलर मास का मतलब है मास ऑफ वन मोल. तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन गैस. तो मैंने ऑक्सीजन गैस बोला तो आपने उसको कैसे समझा, O2. O2 का वेट होता है 32. तो एक मोल का ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम्स. ठीक है, तो हमें m की जगह पे क्या लिखना है, 32. उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो जो चीज आएगी उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं. टेक्निकली वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. टेक्निकली ये है, बट प्रैक्टिकली आपको बस क्या करना है, मोलर मास बाय 2 से डिवाइड करना है. और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी अभी हमने बोला कि अगर ऑक्सीजन की बात होगी तो मोलर मास को 32 ग्राम्स लेना. तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि 32 ग्राम्स बाय 2 इज 16 ग्राम्स. तो ये यूनिट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं टेक्निकली तो ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी है. तो जब रेशियो लेंगे तो कट जाएगा. सो दैट विल बी अ यूनिट लेस थिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. इस तरह का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट लेस. तो अगर उसमें कोई एक ऑप्शन वेपर डेंसिटी का भी है तो आप उसको टिक कर सकते हो. हो सकता है मल्टीपल चॉइस हो तो उस वेपर डेंसिटी के अलावा 2-3 और हो जो आंसर्स हो. पर वेपर डेंसिटी समथिंग विच इज यूनिटलेस, ये ध्यान में देने वाली, ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज सिंपली मोलर मास बाय 2. तो अगर मैं आपसे बोलूं, ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी 32 बाय 2, दैट इज 60. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, तो CO2 का मोलर मास देखना है. कार्बन इज 12, O2 is 32, 32 plus 12 is 44, so that will be 44 by 2, that is 22. तो किसी भी चीज की जब वेपर डेंसिटी हम लोग निकालते हैं तो उसका मोलर मास लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, बस इतना सही है. नॉट एट ऑल अ बिग डील. ठीक है, पर अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. हमने 6 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर लिए, हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेपर डेंसिटी, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू CH4. इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा तो अपने को ध्यान देना थोड़ा सा. अगर क्वेश्चन में नॉर्मली आता है फाइंड वेपर डेंसिटी, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या एज्यूम करना है कि दिस वेपर डेंसिटी इज आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. इसलिए जो डिवीजन वाला फैक्टर है उसमें मैंने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन रखा. तो अगर उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिंपली बोला वेपर डेंसिटी, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या मानूंगा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करनी है. पर अगर उसने मुझसे बोला कि वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू CH4, तो अब हमें बस क्या करना है कि जिस इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मोलर मास ऊपर रहेगा. और किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है CH4, तो CH4 का मास नीचे रहेगा. सो दैट विल बी 32/16 = 2. तो अगर मुझसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करता कि दिस वेपर डेंसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. तो मैं क्या करता, ऑक्सीजन 32/2, दैट इज गोइंग टू बी 16. तो आंसर उसके इसमें था 16. पर यहाँ पे मैंने स्पेशली पूछा व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू CH4. तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी हो उसको नीचे रखना है, और जिसका पूछा गया उसको ऊपर रखना है. तो आंसर 32/16 कम्स आउट टू बी 12. तो वेपर डेंसिटी के सिंपल क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे. अब अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जाए
तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिक्सचर, लेट्स सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन के 2 moles हैं और हाइड्रोजन के 6 moles, लेट्स अज्यूम, सो इट्स अ मिक्सचर और इन दोनों की रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, वैसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके अगर आपको वाटर बनाना है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना पड़ता है, क्वाइट हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो नॉर्मली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक कंटेनर में है तो ये लोग आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अब मुझसे पूछा गया व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर, तो उस वेपर डेंसिटी को निकालने के लिए मुझे एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी विल बी मोलर मास एवरेज ऑफ दिस मिक्सचर अपॉन 2। देखो फॉर्मूला तो वही है, मोलर मास बाय 2 करना है, ठीक है, यहाँ भी मैंने मोलर मास बाय 2 करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ मिक्सचर, तो मिक्सचर के लिए मोलर मास कैसे डिफाइन होता है, इट्स ऑलवेज एवरेज मोलर मास, तो हम पहले एवरेज मोलर मास निकालना सीखते हैं और एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम लोगों को पहले से ही आती है, 9th-10th में हम लोग बहुत बार एवरेज निकालते हैं, बस हाँ एवरेज का कॉन्सेप्ट सेम है, मोलर मास एक नई चीज है ये, तो मोलर मास को भी छोड़ते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 लोग हैं, एक आदमी है जिसका वेट है 60, दूसरा आदमी है जिसका वेट है 50, तो मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज, तो हम लोग क्या करेंगे 60 + 50/2, हम लोग यही करने वाले, ठीक है, ये एवरेज हो गया। अब अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक का वेट है 60, एक का वेट है 50, एक का वेट है 40, अब इसका एवरेज निकालना, तो 60 + 50 + 40/3, ठीक है, तो अल्टीमेटली एवरेज का क्या मतलब होता है, टोटल मास ऊपर आएगा न्यूमिरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग हैं वो नीचे आएंगे, ठीक है, तो 10 लोगों का टोटल वेट मिला के इतना हुआ तो अकेले का एवरेज कितना हुआ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि मैं कैसे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, O2 के 2 moles हैं और हाइड्रोजन के 6 moles हैं, ठीक है, अब टोटल मिला के तो 2 और 6 (2 + 6) 8 moles हो गए, ठीक है, तो टोटल मोल्स तो 8 है, तो टोटल लोग कितने हैं 8, वो कौन है, कुछ लोग हाइड्रोजन है कुछ लोग ऑक्सीजन है, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट टोटल तो 8 लोग हैं, तो एवरेज मोलर मास का क्या मतलब हुआ, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, सिंपल, तो मुझे ये दिख रहा है टोटल मोल्स तो 6 + 2 = 8 है, तो डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया 8, पर टोटल मास कितना हुआ, ऑक्सीजन का मास अलग है, हाइड्रोजन का मास अलग है, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके टोटल मास आएगा। तो अब इसमें हम मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल लगा रहे हैं, O2 के 1 mole का वेट होता है 32, तो अगर 1 mole का वेट है 32 तो 2 mole का वेट होगा 32 × 2, दैट इज 64, तो मैं क्या करूंगा 2 × 32, तो ब्रैकेट के अंदर क्या डाला मैंने, मोलर मास, और ब्रैकेट के बाहर क्या रखा कि कितने लोग ऐसे हैं, तो अगर एक आदमी का वेट है 32 ग्राम तो 2 लोग ऐसे हैं तो उनका टोटल वेट हो जाएगा 2 × 32। सिमिलरली हाइड्रोजन के 1 mole का वेट होता है 2, पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो सही आंसर है, ठीक है, तो इसको हमें प्रॉपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट एवरेज इस तरह से निकालते हैं, टोटल मास को ऊपर रखना है, टोटल मोल्स को नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड करना है, वील गेटर आंसर, तो एवरेज आ गया। तो अगर मिक्सचर्स की बात हो रही है और मिक्सचर्स के लिए वेपर डेंसिटी निकालनी है तो पहले मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना बाय 2 करना है, तो एवरेज मोलर मास इस तरीके से आएगा और उस एवरेज को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कभी भी पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट हमें मोलर मास को 2 से डिवाइड करना, अगर बोल दिया जाए कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग है तो हमें 2 की जगह उस पर्टिकुलर चीज जिसके लिए बोला गया विद रिस्पेक्ट टू समथिंग तो उससे डिवाइड करना है, और अगर मिक्सचर की बात हो रही हो तो हमें क्या करना है, पहले मिक्सचर का एवरेज निकालना है, एवरेज मोलर मास, और फिर 2 से डिवाइड करना। तो ये एक छोटी सी चीज है, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द चीजें हमने मोल कॉन्सेप्ट के जो
डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, वो सब हमने काफी हद तक देख लिए हैं, तो इन सब टर्मिनोलॉजीज को हम यूज करने वाले हैं, बाकी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। मैं बस क्या करूंगा, मैं नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने काफी सारे टर्म्स आपको थोड़ी देर पहले बताए, अभी बताए, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम आयन, वेपर डेंसिटी, एवरेज मोलर मास, ये सब सिर्फ नेम्स हैं, बट ये आपको भी पता है कि एवरेज निकालना आपने आज पहली बार नहीं सीखा है, 8th, 9th, 10th क्लास में हम लोग एवरेज निकालना सीखते हैं, ठीक है। हाँ, वेपर डेंसिटी एक नया नाम आपने सीखा, बट आपको करना बस क्या है, मोलर मास को 2 से ही तो डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये भी कुछ खास मुश्किल नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास, ये एक नया टर्म आपने आज सीखा, बट अगेन ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, 1 मोल एटम का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, और मैक्सिमम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो टर्मिनोलॉजीज को ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाएगा और आप आंसर किसी और चीज़ का दे दोगे, सो नाउ यू नीड टू टेक केयर रिगार्डिंग दिस, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पूछा जा रहा आंसर उसी का देना, मैंने कुछ और पूछा, आपने अपने हिसाब से कुछ और आंसर दिया, सो देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, देन हमारे 7 questions हो चुके हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट विद 8th question। तो हम अपना सिन्हाल्स का ब्लू बुक यूज़ करते हैं हम, और इसके CCP में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम करते हैं, और क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे उसके बाद यू विल बी प्रिपेयर्ड इनफ टू डू ऑल द अदर क्वेश्चन प्रेजेंट इन द CCP। तो ये हमारा ब्लू बुक जो मैंने लास्ट क्लास में भी इंट्रोड्यूस किया था, ये काफ़ी सफिशेंट है ये सब चीज़ें करने के लिए। सो नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 1.5 moles of oxygen atoms are present in चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 0.5 moles of barium carbonate, ऑप्शन बी 1 mole of barium carbonate, ऑप्शन सी 2 moles of barium carbonate, एंड ऑप्शन डी 0.25 moles of barium carbonate। तो इस तरीके के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन जेई मेंस, जेई एडवांस लेवल का तो क्वेश्चन नहीं है। 1.5 moles ऑफ ऑक्सीजन एटम, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं नॉर्मली लिखता ऑक्सीजन तो उसका मतलब होता O2, बट यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन एटम लिखा है तो उसका मतलब है नॉर्मल O। तो हमने हमसे पूछा गया 1.5 moles किस में प्रेजेंट होंगे, ये चारों ऑप्शन बेरियम कार्बोनेट के ही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, बेरियम कार्बोनेट को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ और इसको तोड़ देता हूँ तो मुझे दिखता है कि एक तो बेरियम निकलेगा इसमें से, एक कार्बन निकलेगा और 3 एटम्स निकलेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में से 3 एटम्स ऑक्सीजन के निकलते हैं, तो अगर एक में से 3 निकल रहे हैं तो 0.5 में से कितने निकलेंगे, एक में से 3 तो 0.5 मतलब आधा कर दो तो 3/2, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 3/2, और हमसे 3/2 ही तो बोला गया, 1 का मतलब 3/2 ही तो होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चारों ऑप्शंस में से किस केस में मुझे ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स मिलेंगे, तो आंसर फिर हो गया ए, क्योंकि अगर 1 मोल में से 3 मिलेंगे तो 0.5 में से 3/2 मिलेंगे, दैट इज 1.5। बाकी केसेस को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, बेरियम कार्बोनेट का 1 मोल तो 1 में से 3 निकलेंगे, क्वेश्चन में 1.5 पूछा है, तो बी इज नॉट योर आंसर,
टू मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट, इसका आंसर क्या होगा? बेरियम कार्बोनेट में से अगर थ्री निकल रहे ऑक्सीजन तो दो में से कितने निकलेंगे? थ्री इंटू टू सिक्स, पर हमसे क्वेश्चन पूछा 1.5, तो अगेन दिस इज नॉट द आंसर। तो जब भी मल्टीपल चॉइस आंसर्स हो, मल्टीपल आंसर्स हो उसमें, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे 0.25 मोल्स है, तो 0.25 मतलब 1/4, तो बेरियम कार्बोनेट में से तीन निकल रहे हैं, एक में से तीन, तो 1/4 में से 3/4 दैट इज 0.75, तो वो भी अपना आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए हो गया ए, ठीक है। Now let's do next question, next example, example number 9. Which of the following contains लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अभी मैं चार ऑप्शंस लिखूंगा कि इन चारों ऑप्शंस में किसके पास सबसे कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो चार ऑप्शंस मैं लिखता हूं, ऑप्शन ए 11 ग्राम्स ऑफ CO2, ऑप्शन बी 32 ग्राम्स ऑफ SO2, ऑप्शन सी 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ये चार ऑप्शन हैं हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमें सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, फिर जिसमें सबसे कम होंगे वो आंसर होगा। तो लेट्स स्टार्ट CO2। इन क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उन फॉर्मूलों को देख के आपको खुद से जज करना है कि इनका मास नंबर क्या है। तो CO2 के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 232, 12 प्लस 32 इज 44, तो CO2 इज 44, ठीक है। तो 44 ग्राम्स का मतलब होगा 1 मोल। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है, हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर CO2 की बात हो रही है तो CO2 का मास नंबर हमने निकाल लिया 44 है। दैट मीन्स इफ 44 ग्राम्स ऑफ CO2 वुड हैव बीन गिवन, दैट वुड हैव मेंट दैट वी आर डीलिंग विद 1 मोल ऑफ CO2। 44 ग्राम्स का मतलब होता है 1 मोल, तो हमें क्वेश्चन में तो 11 ग्राम्स दिया हुआ है, तो 11 ग्राम का मतलब हुआ 1/44 × 11, दैट इज 1/4 moles of CO2, और 1 मोल का मतलब होता है 6.023 × 10⁻²³, जिसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, Na, Avogadro's number। तो इसका आंसर हो गया 1/4 × Na, ठीक है। तो CO2 के लिए अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूँ तो आंसर विल बी Na/4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बाय फोर क्यों आया, क्योंकि 44 तो उसका वेट था, अभी मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, तो CO2 का वेट खुद का 44 था जो कि मोलर मास है, पर क्वेश्चन में जो CO2 का वेट दिया है दैट इज 11 ग्राम, तो 44 का मतलब 1 मोल, तो 11 का मतलब 1/4, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो 1/4, तो 1/4 ऑफ मोल्स मतलब अगर मुझे बोलते 1/4 ऑफ अ डजन, तो मैं 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ पे बोला 1/4 ऑफ अ मोल, तो दैट इज 1/4 × Na, ठीक है, यहाँ तक आ गया। नाउ द सेम थिंग वी नीड टू डू फॉर SO2। SO2 का वेट कितना है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। SO2 सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 × 2 = 32, सो दैट गिव्स मी 64, ठीक है। तो SO2 का वेट है 64, तो अगर 64 ग्राम्स होता तो उसका मतलब होता 1 मोल, पर क्वेश्चन में तो मुझे सिर्फ 32 ग्राम्स दिया हुआ है, तो अगर 64 का मतलब है 1 मोल, तो 32 ग्राम्स का मतलब है 1/64 × 32,
दैट इज 1/2 मोल्स. 1/2 मोल्स का मतलब हुआ Na/2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसका आंसर आ गया Na/2 मॉलिक्यूल्स. ठीक, तो कम से कम ये समझ में आ गया कि इन दोनों में मुझसे पूछा गया लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन चारों में सबसे कम किसका होगा. अभी तक मेरे पास दो आए, उन दोनों में SO2 का CO2 से ज्यादा ही है. Na/2 इज मोर देन Na/4, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं. SO2 तो पीछे रह गया. अब A, C और D में चेक करना है कि सबसे छोटा कौन है. तो अब C चेक करते हैं. C इज H2. H2 का वेट होता है 2 grams. तो 2 grams का मतलब हो गया 1 मोल, और 1 मोल का मतलब हो गया एवोगैड्रोस नंबर. और क्वेश्चन में भी हमें 2 grams ही दिया हुआ है. दैट मींस हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, 1 मोल. दैट मींस कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी आंसर नहीं होगा. ठीक है, फिर फाइनली हम हीलियम को चेक करते हैं. तो हीलियम का वेट होता है 4 grams, और क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है 4 grams. तो 4 grams का मतलब अगेन 1 मोल. 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अल्टीमेटली इन सब में जो सबसे छोटा है वो CO2 है. तो CO2 इज योर आंसर, और बाकी तीनों आंसर्स नहीं. तो हो सकता है ये क्वेश्चन तो हो गया. एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरेंज ऑल ऑफ दीज 4 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे कम CO2 का Na/4, उसके बाद Na/2 है, और उसके बाद ये दोनों बराबर है. तो इस केस में ऐसा भी हो सकता था, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो क्वेश्चन तो मैं कितने भी बना दूं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी. तो क्वेश्चन अगर ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इन चारों में मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले Na/4, Na/2, Na. तो किसके सेम है, हाइड्रोजन और हीलियम के. तो उस केस में ये दोनों आंसर्स हो जाते. तो ये चार वैल्यूज देके मैं आपसे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, बट अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपने जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन एरर्स नहीं किए. कैलकुलेशन एरर इज़ वेरी फेटल. कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, भले आपका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए. बिकॉज एक इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं था कि आपको समझ में ना आए, तो ये इजी क्वेश्चन है. बट अगर आपने सिर्फ कैलकुलेशन एरर की वजह से नंबर अपने गवा दिए, सो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो अपने को एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक्यूरेसी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. पहले एक्यूरेसी पे काम करना, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी. हम अभी 11th में, तो 2 साल का टाइम है, स्पीड बढ़ाने का बहुत मौका हमें मिलेगा. बट एक्यूरेसी हमारी पहले दिन से ही अच्छी होनी चाहिए. तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, नॉट एट ऑल एन इशू. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following has highest mass? Which of the following has highest mass? मतलब मैं जो चार ऑप्शंस अभी लिखूंगा, उन चार ऑप्शंस का सबका आपको मास कैलकुलेट करना है, और फिर किसी उसको टिक करना है जिसका मास सबसे ज्यादा हो. तो वो चार ऑप्शंस कौन से हैं? 50 grams of iron, 5 moles of nitrogen, 1 gram atom of silver,
एंड ऑप्शन डी इज 5 × 10³³ एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअली सबका वेट निकालना है, जो सबसे ज्यादा होगा वो आंसर होगा। तो इसको करना शुरू करते हैं हम लोग। जो ऑप्शन ए है वो तो डायरेक्टली वेट ही दिया हुआ है, तो उसमें तो हमें कुछ नहीं करना। तो 50 ग्राम आयरन दिया हुआ है, उसका वेट आ गया। बाकी सबको देखते हैं। 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, एक मोल नाइट्रोजन का मतलब, नाइट्रोजन का वेट होता है एक एटम का 14 × 2 = 28 ग्राम्स। तो नाइट्रोजन के अगर एक मोल का वेट होता है 28 ग्राम, तो 5 मोल्स का वेट कितना हो जाएगा, 28 × 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 8 = 40, 0 × 4 = 10, 140। तो ये 140 ग्राम्स है, ये तो 50 ग्राम्स है ही। नाउ 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का वेट होता है 108। ये अपने को याद रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप ये कोशिश मत करना कि आपको आज ही के दिन बैठ के पूरा पीरियोडिक टेबल के सब मासेस याद करने हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हमें नया नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, धीरे धीरे वी विल ट्राई टू रिमेंबर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो तो 2 साल बाद होने वाला है, तो उतने दिन में हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सिल्वर का मोलर मास, सिल्वर का मोलर मास होता है 108। तो अब नेक्स्ट टाइम से अब आपको याद रखना चाहिए। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ रिएक्शंस हम लोग करते रहेंगे बीच में। तो बीच में वो वाली रिएक्शंस भी होगी जो एक्चुअली 12th में आने वाली है, बट देन 12th वाली चीज़ें भी हम 11th में थोड़ी थोड़ी करेंगे, सो दैट हमें बाद में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो सिल्वर का वेट होता है 108। नाउ अभी अभी हमने ये टर्मिनोलॉजी सीखी थी, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम्स। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का 1 मोल मतलब इसका वेट कितना लिख दूं मैं, 108 ग्राम्स। ठीक है, अब ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी में मुझे कार्बन के एटम्स दिए हैं, हमें बस ये सोचना है कि निकालना क्या है, दैट इज वेट, और दिया क्या है, दैट इज एटम्स। तो एटम्स और वेट में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन तो मुझे पता है कि अगर कार्बन की बात हो रही है तो 1 मोल ऑफ कार्बन means 12 grams, ये तो रिलेशन मुझे पता है, बट 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ कार्बन का वेट है 12। तो अब आप इस चीज को इमेजिन करो कि 6.023 को मैं अप्रोक्सीमेटली 6 लिख सकता हूँ, तो अगर 6 × 10³ का वेट है 12 grams, तो 5 × 10³ का कितना होगा यूनिटरी मेथड के हिसाब से, 12/6 × 5 ग्राम, दैट इज 10 ग्राम्स। ठीक है, तो 5 × 10³ एटम्स का कार्बन का अप्रोक्सीमेट वेट इज 10 ग्राम्स। दिस इज 108, दिस इज 140, दिस इज 50। सो द क्लियर कट आंसर हियर इज बी, दैट इज 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने सबका वेट निकाला, उन वेट्स में से इसका वेट सबसे ज़्यादा निकल के आया, तो आंसर आ गया। पर जो बाकी के वेट्स हैं मैं उनको भी अरेंज कर सकता हूँ, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो पहले तो इस चीज़ की आती है। अब आप खुद से इमेजिन करो कि अगर इसका मतलब ही आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, इट्स लाइक अ डिफरेंट लैंग्वेज, ये ऐसा नहीं है कि आप को नहीं समझ में आ रहा है। 1 ग्राम एटम का अगर मैंने बस आपको ये बता दिया कि 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल, तो कोई भी कर लेगा इसको। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस नई टर्मिनोलॉजी का मतलब नहीं पता था। तो धीरे धीरे जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज आप 2 बार 3 बार 4 बार जब पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, इसमें इंटेलेक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, बेसिक यूनिटरी मेथड आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, जो कंपाउंड्स के नाम लिए गए उन सब कंपाउंड्स के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, इफ द वेट ऑफ 5.6 लीटर्स ऑफ अ गैस एट एसटीपी, क्वेश्चन में एसटीपी दे दिया, तो एसटीपी के लिए वो जो वॉल्यूम 22.4 वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आपको याद आ जाना चाहिए। 5.6 लीटर एक गैस का दिया है मुझे एट एसटीपी इज 11 ग्राम्स, देन द गैस इज, अभी मैं चार ऑप्शंस लिखूंगा, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि कोई एक गैस है जिसके 5.6 लीटर्स का वेट 11 ग्राम्स निकल के आ रहा है, तो वो गैस कौन सी गैस है। चार ऑप्शंस दिए हैं, सबसे पहला फॉस्फीन, नेक्स्ट इज फॉस्जीन, नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फाइनल इज नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ 5.6 लीटर्स ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 11 ग्राम्स, देन द गैस इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पर ये एक मौका है कुछ नया इन्फॉर्मेशन सीखने का, कुछ नए फॉर्मूले सीखने का। तो पहले तो ये जो चार कंपाउंड्स हैं इनके फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। फॉस्फीन इज पीएच3, फॉस्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन का NH3 होता है तो फॉस्फोरस का PH3 होता है। ठीक है, देन कम्स फॉस्जीन, फॉस्जीन इज अ वेरी पॉइजनस गैस COCl2। ठीक है, उसके बाद आया नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद आया नाइट्रस ऑक्साइड, इसी का दूसरा नाम आपने सुना होगा लाफिंग गैस। तो अब जब आप घर पे जाके सब चीजों को रिवाइज करोगे तो दो तीन चीजें याद हो जानी चाहिए कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस COCl2, फॉस्फीन इज ऑल्सो पॉइजनस, इट्स PH3। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें गैस के बारे में बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी गैस है जिसके 5.6 लीटर्स का वेट 11 ग्राम होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि एसटीपी पे 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो जब भी एसटीपी का नाम आए तो आप 22.4 को याद कर लो, 22.4 का मतलब होता है 1 मोल, क्वेश्चन में दिया गया 5.6 लीटर्स। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे चलेंगे, 5.6 लीटर्स और 11 ग्राम्स में रिलेशन निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 5.6 लीटर्स का वेट है 11 ग्राम्स, तो इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर 5.6 लीटर का वेट है 11 ग्राम्स तो 22.4 लीटर का वेट कितना होगा, सो दैट विल बी 11 अपॉन 5.6 इंटू 22.4, 5.6 से 22.4 कट गया 4, सो 11 इंटू 4 इज 44 ग्राम्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आया मेरे पास कि 22.4 लीटर्स अगर इस गैस के होते तो उनका वेट कितना निकल के आता, 44 ग्राम्स। बट हमने तो ये भी सीखा है कि 22.4 लीटर्स का मतलब होता है 1 मोल, और अभी अभी हमने ये देखा कि 22.4 का मतलब है 44 ग्राम्स, दैट मींस ये जो गैस है इसके 1 मोल का मास है 44 ग्राम्स। तो मतलब जो भी गैस की बात हो रही है उसका मोलर मास 44 ग्राम्स है। तो अब बस आपको क्या करना है, इन चारों के मोलर मासेस देखने
और उसमें ये चेक करना है कि 44 किसका है, ठीक है। लेट्स सी, फॉस्फोरस इज 31 प्लस 3 इज 34, सो दैट इज नॉट द राइट आंसर। नाउ कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, क्लोरीन 1 क्लोरीन इज 35.5, तो दो क्लोरीन्स का मिला के कितना हो गया 71, तो 44 से बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम धीरे धीरे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14, 16 प्लस 14 इज 30, सो अगेन दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो एक ही आंसर बचा, तो आंसर तो वही होना चाहिए, पर फिर भी हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे। N2O का वेट कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28, ऑक्सीजन इज 16, सो इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 44, तो ये 44 इससे मैच हो गया, सो दैट मींस ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें मुझे जो दिया हुआ है और मुझसे जो पूछा हुआ है वो डायरेक्ट नहीं है, वो दो स्टेप में आ रहा है। तो हमने पहले क्या किया, मैं एक बार क्विक रिविजन देता हूँ इस चीज़ की। हमने पहले क्या किया, हमने ये देखा कि अगर कोई गैस है जिसके 5.6 लीटर का वेट इतना है 11 ग्राम्स, तो उस गैस के 22.4 लीटर्स अगर होते तो उसका वेट कितना होता, तो वो पहले आ गया 44 ग्राम्स। फिर हमने लॉजिक लगाया कि यार 22.4 का तो मतलब 1 मोल भी होता है, तो 22.4 लीटर्स का यहाँ पे मतलब 1 मोल भी है, और 22.4 लीटर्स का मतलब यहीं पे 44 ग्राम्स भी है, तो मतलब जिस भी गैस की बात हो रही है उसके 1 मोल का मास 44 ही है। 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो इस पर्टिकुलर गैस जिसकी भी बात हो रही है उसका मोलर मास 44 है। तो अब हमें आंसर कैसे निकालना है, इन चारों में से जिसका भी मोलर मास 44 होगा वो आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता था, अभी तो सिंगल आंसर क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस। अगर ये मल्टीपल चॉइस होता, अगर इसके मल्टीपल आंसर्स होते, तो क्या होता कि मुझे सबके मासेस को देखना है, तो जिस जिसका 44 है उस उसका ये हो सकता। तो एक ऑप्शन, अगर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन CO2 होता, तो CO2 का वेट भी 44 होता है, तो जिस भी गैस का वेट 44 होगा उसके लिए वैल्यूज वैलिड होगी। तो अगर इसमें एक ऑप्शन CO2 भी होता तो हम लोग दोनों को टिक करते, N2O को भी और CO2 को, ठीक है। तो आपको एक तो क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना कि भाई ये सिंगल चॉइस आंसर है या ये मल्टीपल चॉइस आंसर है। अगर ये सिंगल चॉइस आंसर है फिर तो लेट्स सपोज, अभी हमने क्या किया, हमने ए को बी को सी को चेक किया और तीनों रॉन्ग आ गए, तब जाके डी पे आंसर है। अगर आप उल्टा करो, अगर आप डी को ही पहले चेक करो और डी का ही लकीली आंसर 44 आ जाए, तो आप इसी को डायरेक्टली टिक कर दो, आपको बाकी तीनों को चेक करने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर सिंगल चॉइस आंसर, अगर उसने ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल द क्वेश्चंस कंटेन ओनली वन आंसर विच इज करेक्ट, और लकीली आपने जो पहला ट्राई किया वही करेक्ट था, तो फिर बाकी तीनों को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो फिर हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि ऑप्शन डी तो करेक्ट है, पर बाकी तीनों में से जरूरी तो नहीं कि सारे गलत हो, कोई ठीक भी हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से कोई CO2 ऑप्शन होता तो शायद हमें उसको भी टिक करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻²⁸ ग्राम्स, तो इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात सबसे स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन क्या है वो तो बाद में सुनते हैं, पर हाँ ये इन्फॉर्मेशन आप याद कर लो आगे से। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो चैप्टर है जो मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ये सब वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का मास इज दिस 9 × 10⁻²⁸ ग्राम्स। अगर आप इसको kgs में कर लो तो 10⁻²⁸ की जगह −31 हो जाएगी, बाय 1000 करोगे आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास उसने दिया है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त ये जरूरी नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का मास दिया जाए, क्योंकि दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट कि उसको इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मास दिया पता होगा। तो अगर मैं सिर्फ आपको नाम दे दूं इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि उसका मास आपको पता होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन अच्छा है कि उसने आपको मास दिया है।
तो इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस की तो जरूरत नहीं है, बट चलो ये चार ऑप्शंस जो दिए हैं वो मैं लिख देता हूं. ये दो ऑप्शंस हो गए 9 × 10⁻²⁸, 6 × 10⁻²⁸. नेक्स्ट इज 1.008 ग्राम्स. नेक्स्ट इज 0.00054. ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इन चारों ऑप्शंस में से हमें रिजल्ट देखना है. अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को एक स्मॉल बॉल की तरह ही कंसीडर कर सकते हो. अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ वन पेयर का मास, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. वन डजन का मास, तो आप 12 से करते हैं. यहाँ पे मैंने आपसे पूछा वन मोल का मास, तो आंसर बहुत ही सिंपल से आने वाला है. सॉल्यूशन, मास ऑफ वन मोल विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻²⁸ इनटू एवोगाड्रोस नंबर. सो दैट इज 9 × 10⁻²⁸ इनटू 6 × 10⁻²³. मैंने 6.023 को 6 ले लिया, अप्रोक्सीमेशंस आप कर सकते हो. 9 × 6 = 54, 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया एंड 10⁻⁵ आ गई -5, -28 एंड 23 से. सो दिस गिव्स मी आंसर 0.00054. तो ये ऑप्शन डी है जो करेक्ट मुझे दिख रहा है, तो आंसर ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स. पहली बात तो मिलीमोल्स क्या, जैसे मिलीग्राम्स होते हैं, तो मिलीग्राम्स का मतलब है ग्राम का 1/1000 करना, ठीक है. मिलीलीटर्स होते हैं, तो लीटर का 1/1000 करना है. तो एक्चुअली ये जो मिली वर्ड है ना, मिली, इसका वर्ड होता है, इसका मतलब होता है 10⁻³. जैसे किलो का मतलब होता है 10⁻³, जिसको प्लस को हम अक्सर लिखते नहीं है, क्योंकि प्लस को ना लिखना, कुछ ना लिखना मतलब ऑटोमेटिकली प्लस ही हो गया. तो किलो का मतलब 10⁻³, तो मिली का मतलब 10⁻³. तो उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो मैं पहले मोल्स निकाल लूंगा, फिर थाउजेंड से देखेंगे उसका क्या करना है, ठीक है. अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, दैट इज थाउजेंड. मिलीलीटर छोटी अमाउंट है, तो उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो पहले मैं मोल्स निकाल लूंगा, फिर उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके मिली मोल्स निकाल लूंगा, ठीक है. तो फाइंड द नंबर ऑफ मिली मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ वॉटर. इस क्वेश्चन के लिए भी हमें ऑप्शन की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हैं वो यूज करते हैं. 1.0, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 55.55 एंड ऑप्शन डी इज 100. ठीक है, ये चार वैल्यूज हमें दी गई हैं, इनको यूज करके देखते हैं. 1 ग्राम वॉटर, सबसे पहले कौन सा कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड का नाम लिया गया है वाटर का. तो वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है, H2O, ठीक है. अब इस H2O को देख के मुझे खुद ही ये समझ में आता है कि इसका मोलर मास है 18 ग्राम्स, ठीक है. मतलब 18 ग्राम्स का मतलब 1 मोल है. तो अब उसने क्वेश्चन में 1 ग्राम दिया है मुझे, तो मैं 1 ग्राम में पहले मोल्स निकाल लेता हूँ. तो सिंपल यूनिटरी मेथड, इफ 18 ग्राम्स means 1 mole, so then 1 gram
will mean how many moles 1/18 moles. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा आंसर आ गया अभी तक. अभी तक पूरा आंसर नहीं आया, अभी तक हम बीच में ही है. तो उसने वाटर दिया तो मैंने 18 निकाल लिया उससे. फिर उसने 1 ग्राम दिया तो 1 ग्राम में 1/18 मोल्स होते हैं. पर उसने मुझसे मोल्स तो पूछे ही नहीं, उसने तो मुझसे मिली मोल्स पूछे. नाउ नंबर ऑफ मिली मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन 2000. ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ मिली मोल्स कैलकुलेट करने हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज 1/18 इन 2000 किया. सो दिस इज 1000/18 55.55 आंसर आया. सो दैट मीन्स आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट. Now let's do another question. Question number 14. Question is 8 grams of CO2. Sorry, 8 grams of O2 has the same number of molecules as which of the following. 8 grams of O2 has the same number of molecules as which of the following. अभी मैं चार ऑप्शंस लिखूंगा, अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन. पर क्वेश्चन ये है कि चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली उतने होंगे जितने की 8 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं. चार ऑप्शंस लिखता हूं पहले मैं. ऑप्शन ए इज 7 ग्राम ऑफ CO2. ऑप्शन बी इज 14 ग्राम ऑफ CO. ऑप्शन सी इज 22 ग्राम ऑफ CO2. एंड ऑप्शन डी इज 44 grams of CO. ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से चेक करते हैं. हम एक एक करके चेक करते हैं सबको. सबसे पहले तो 8 grams ऑक्सीजन का मतलब कितना होगा. ऑक्सीजन अगर O2 की तरह दिया हुआ है तो उसका वेट होता है 32 grams. ठीक है, तो अगर 32 grams यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 32 grams का मतलब है 1 मोल. तो 8 ग्राम्स का मतलब है 1/32 इनटू 8, दैट इज 1/4 मोल्स. दैट इज Na/4 मॉलिक्यूल्स. तो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है Na/4 मॉलिक्यूल्स. ये हमें समझ में आ गया. अब बाकी सबको चेक करते हैं, तो जिसका भी Na/4 होगा वही सही आंसर होगा. तो नीचे से शुरू करते हैं. 44 ग्राम्स ऑफ CO2. CO2 का वेट कितना होता है? CO2 का वेट ही होता है 44. कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 इनटू 2 32. तो 44 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब हो गया 1 मोल, और 1 मोल का मतलब हो गया Na मॉलिक्यूल्स. सो दैट मींस कि Na/4 और Na मैच नहीं हो रहा, तो डी तो आंसर नहीं. ठीक है, अब 22 ग्राम देखते हैं. तो अभी अगर 44 ग्राम का मतलब है Na, तो 22 ग्राम का मतलब कितना हुआ? हाफ ऑफ दैट. तो दैट इज Na/2 मॉलिक्यूल्स. उसका Na/4 है, इसका Na/2 है, तो ये भी आंसर गलत हो गया. नेक्स्ट 14 ग्राम ऑफ CO. CO को देखें तो CO इज 12 ऑफ कार्बन, 16 ऑफ ऑक्सीजन. 12 प्लस 16 इज 28. तो CO का मतलब 28 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल. 28 का मतलब 1 मोल, तो 14 का मतलब हाफ मोल. दैट इज अगेन Na/2 मॉलिक्यूल्स. ये भी आंसर नहीं है. तो सिंस डी सी बी दोनों आंसर, तीनों आंसर नहीं है, तो यही आंसर होगा. फिर भी एक बार चेक करते हैं. CO2 का मतलब है 44. ठीक है, हमें लगता है कि ऑप्शंस थोड़े से इस केस में गलत है. ठीक है, इस केस में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे. एक्चुअली यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 11 ग्राम्स. ठीक है,
I'm so sorry, वो टाइपिंग एरर थोड़ा सा हुआ. तो 11 ग्राम्स ऑफ CO2 का मतलब क्या है कि अगर CO2 के 44 ग्राम्स हैं, तो 44 ग्राम्स का मतलब होता है 1 मोल, तो 11 का मतलब हो गया 1/4. So that is Na/4. So now option A and 8 grams of O2 are matching. So answer is A. तो अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस हमने पहले भी काफी किए हैं, तो आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना है, तो जिसके साथ भी मैच हो जाए वो आंसर सही. तो आपको मोलर मासेस क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे, आपको बस फॉर्मूला दिया जाएगा. तो आप फॉर्मूला खुद देखो, CO2, CO, ठीक है, H2O, O2, whatsoever, फॉर्मूला देख के आपको मोलर मासेस खुद से डिसाइड करने पड़ेंगे. लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15. The number of atoms present in 4.25 grams of NH3 is approximately 1 × 10⁻³. ये क्वेश्चन है हमारे पास. अमोनिया में नंबर ऑफ एटम्स मुझे बताने हैं. अमोनिया जब टूटेगा तो उसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तरीके के एटम्स निकलेंगे, ठीक है, और उसका 4.25 ग्राम्स दिया हुआ है. तो उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. पहली बात तो अमोनिया में से क्या क्या निकलेगा, 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स. पहली बात तो ये निकलेगा. तो एक मॉलिक्यूल में से चार लोग निकल रहे हैं, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल 1 + 3 = 4. अब हमें ये देखना है कि 4.25 ग्राम्स का मतलब क्या है. अब उसने अगर अमोनिया का नाम लिया है तो अमोनिया का टोटल वेट इज, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1 × 3 = 3, सो दैट गिव्स मी 17. तो 17 ग्राम्स का मतलब होगा 1 मोल. 17 ग्राम्स मींस 1 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स. बट हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ 4.25 दिया हुआ है, तो 4.25 ग्राम्स का मतलब क्या हुआ, 1/17 × 4.25, दैट इज 1/4 मोल्स, दैट इज Na/4 मॉलिक्यूल्स. Na का वैल्यू हम 6 × 10⁻³ डाल देंगे, अप्रोक्सीमेटली की बात हो रही है. तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, पर अभी अभी हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में से तो 1 + 3 टोटल 4 एटम्स निकलते हैं, ठीक है. तो उसने क्या पूछा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन NH3 इज अप्रोक्सीमेटली. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उसने टोटल एटम्स मुझसे पूछे, उसने ये नहीं लिखा कि किस चीज के एटम्स, तो मैं अब इसको टोटल 4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में से 1 + 3 = 4 निकलते हैं. तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो Na/4 × 4 विल गिव यू Na, और Na का मतलब है 6 × 10⁻³. तो आंसर ये आ गया, ठीक है. अगर वो मुझसे ये बोलता कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो अमोनिया में से नाइट्रोजन तो एक ही निकल रहा है, तो Na/4 × 1 वुड हैव बीन Na/4, तो मैं आंसर भी टिक करता. तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि उसने क्या बोला है. यहाँ पे उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो इसलिए मैंने टोटल 1 + 3 = 4 से मल्टीप्लाई किया. और अगर वो बोलता टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता, तो इसका आंसर हो गया डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस इज. चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट इसके लिए चार ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, इसको हम बिना ऑप्शंस के करते हैं. सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैसेस. पहली बात तो CO2 का नाम दिया हुआ है, तो CO2 का नाम देख के ही मैंने 44 वाला एक नंबर लिख लिया. CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम्स, बिकॉज कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 232, तो ये हो गया 44. तो अगर 44 ग्राम्स होता तो उसका मतलब होता 1 मोल, पर मुझे तो सिर्फ 4.4 ग्राम्स ही दिया है, तो उसका मतलब है 1/44 × 4.4, सो दैट इज 0.1 मोल्स. ठीक है, सो दैट मींस अगर मुझसे मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, सो दैट इज 0.1 × Na मॉलिक्यूल्स, सो दैट इज 6 × 10⁻²³ × 0.1, सो दैट इज 6 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो एटम्स पूछते तो हम लोग CO2 में से 3 एटम्स मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं. यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो आंसर, ठीक है, अगर वो पूछता हाउ मेनी मोल्स तो मैं आंसर यहीं पे रोक देता 0.1 मोल्स, बट उसने पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स तो आंसर यहाँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट इज 12 ग्राम ऑफ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल. अच्छा, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये एक नया टर्म आ गया, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को बोलते हैं. आप जब पीरियोडिक टेबल करते हो तो जो सेकेंड ग्रुप होता है, इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम. तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो उस तरीके के ये मेटल है. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं. पहले एल्कलाइन अर्थ मेटल इज मैग्नीशियम टाइप, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है. मुझे नहीं पता ये मेटल कौन सा है, तो मैं इसको नॉर्मल M की तरह ट्रीट करूंगा, M, बट हाँ, सिंस ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो मैं इसके ऊपर 2+ चार्ज जरूर रखूंगा. ठीक है, हमें यही आइडेंटिफाई करना है. इनफैक्ट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है, 12 ग्राम ऑफ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम्स ऑफ इट्स नाइट्राइट. Find the atomic mass of atom. Find the atomic mass of metal. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे यही पता करना है कि ये मेटल कौन सा है. तो आप पहले ही अज्यूम कर लोगे कि मैग्नीशियम में तो दिक्कत है. मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं जिनके ऊपर 2+ चार्ज होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम टाइप के. तो हम लोग इसको रैंडम एम, मेटल एम की तरह लेंगे, बट इस पे 2+ चार्ज. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसने बोला नाइट्राइड, तो हम एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं. मेटल 12 ग्राम्स है, नाइट्राइड 14 ग्राम्स है. तो जैसे ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, नाइट्राइड होता है नाइट्राइड नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड. तो ये मेटल है, ये नाइट्रोजन है. नाइट्राइड का मतलब है नाइट्रोजन के ऊपर 3-, और ये जो मेटल है इसके ऊपर 2+. तो चार्ज बैलेंस करते समय मुझे देखना पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा वो M3N2 रहेगा. रेफरेंस के लिए अगर आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला पता है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2. ठीक है, तो जिस तरह से मैग्नीशियम बिहेव कर रहा है वैसे ये मेटल भी बिहेव कर रहा है, तो M3N2 नाइट्राइड का फॉर्मूला बनेगा. Now, 12 ग्राम और 14.8 ग्राम्स को ध्यान में लेते हैं. ये मेटल है 3 metal + nitrogen gives you M3N2. तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई. ठीक है, अब इसमें उसने बोला कि मेटल का 12 ग्राम्स है और नाइट्राइड का 14.8 ग्राम्स है. तो हमने लास्ट क्लास में
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, उसको यूज करने का टाइम आ गया. रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास होना चाहिए, रिएक्शन के राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड में तो 14.8 है, लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज का 12 है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14.8 माइनस 12, दैट इज 2.8. तो 12 प्लस 2.8 इज 14.8. तो ये हमने कौन सा लॉ लगाया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. ठीक है, अब एटॉमिक मास हमें ढूंढना. तो बड़े ही ध्यान से देखने वाली चीज है कि अगर आप बैलेंस्ड रिएक्शन को देखो तो ये 3 है तो ये 1 है. ठीक है, और अगर मैं नाइट्रोजन के एक मोल की बात करता हूं तो एक्चुअली इसका वेट तो 28 ग्राम्स होता है. ठीक है, इसके एक मोल का वेट. ठीक है, अब मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं कि अगर नाइट्रोजन के 2.8 ग्राम्स के साथ मेटल का 12 ग्राम्स रिएक्ट हो रहा है तो नाइट्रोजन के 28 ग्राम्स के साथ मेटल का 120 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा होगा. ये बात समझ में आ रही है क्या? 2.8 ग्राम्स और 12 ग्राम्स ये तो हमने क्वेश्चन से देख लिया. फिर मैंने 28 खुद से लिया बिकॉज यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात हो रही है. तो फिर ये लॉजिक लगाया कि अगर 2.8 ग्राम के साथ 12 ग्राम यूज हो रहा है मेटल, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ 10 टाइम्स, 2.8 का 10 टाइम्स, तो 12 का भी 10 टाइम्स 120. ठीक है, यहाँ तक आ गए. अब फाइनल स्टेप करते हैं. मेटल के 3 मोल्स का वेट है 120. तो अगर 3 मेटल का वेट है 120, तो 1 मेटल का वेट होना चाहिए 120/3, दैट इज 40. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम वापस से जल्दी से देखते हैं, इसमें क्या क्या न्यूएंसेस थे, क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं. सबसे पहले उसने अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला, तो मैंने गैस किया कि ये मेटल कुछ इस तरीके का मेटल होगा. फिर उसने बोला नाइट्राइड, तो मैंने मेटल और नाइट्राइड के बीच में चार्ज बैलेंस करते हुए ये वाला फॉर्मूला बना दिया, M3N2. फिर मैंने सोचा कि M3N2 अगर बन रहा तो कैसे बन रहा होगा, तो मेटल के 3 एटम्स आएंगे और नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आएगा, ओवरऑल M3N2 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड रिएक्शन. ठीक है, फिर हमने देखा कि मेटल का 12 ग्राम क्वेश्चन में दिया है और नाइट्राइड का 14.8 दिया, तो मेटल का मास प्लस नाइट्रोजन का मास शुड बी इक्वल टू नाइट्राइड का मास. तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाते हुए हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन का मास तो यहाँ पे 2.8 है. फिर हमने लॉजिक लगाया कि अगर 2.8 ग्राम नाइट्रोजन के साथ मेटल का 12 ग्राम रिएक्ट करता है तो 28 ग्राम जो कि नाइट्रोजन का मोलर मास है उसके साथ 120 ग्राम रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो उसका तो 28 ठीक है, बट यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ ये मेटल है, तो अगर 3 मोल्स मेटल का मास 120 ग्राम आ रहा है तो 1 मोल मेटल का मास तो फिर 120/3, दैट इज 40 ग्राम आएगा. तो इसका आंसर क्या हो गया, 40 ग्राम्स. आई होप इन सब क्वेश्चंस को देख के आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ यू आर रेडी टू डू अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम अनदर बुक्स. रेफरेंस के लिए आप सिन्हाल्स का जो ब्लू बुक है उसको यूज कर सकते हो. तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस है. तो हमने लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा था, तो कॉन्सेप्ट 1 पढ़ने के बाद जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप पहले करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमने इस टॉपिक से नहीं किए, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई करके तो टाइम वेस्ट होने वाली बात है. तो अभी हमने कॉन्सेप्ट 2 डिस्कस किया विच वॉज बेसिक्स ऑफ मोल, बेसिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, तो ये सारे एग्जाम्पल्स उसी से रिलेटेड थे. तो नाउ सीसीपी के जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर सकते हो. तो धीरे धीरे हम जब सारे कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1, 2, 3 and 4 ऑफ दिस. इसके अलावा आप बहुत सारी बुक्स और कर सकते हो इफ टाइम परमिट्स. थैंक यू.